नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी स्टार लाइफ में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाष पांडे। इस खास एपिसोड में हम बात करते हैं सुपरस्टार्स के लाइफ से जुड़ी उन खबरों के बारे में जिनसे आप रूबरू नहीं हो पाते। दोस्तों, साल 2018 की शुरुआत हो चुकी है। ये साल इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के लिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा होने वाला है। बात अगर 2017 की जाए तो 2017 भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के लिए काफ़ी अच्छा बीता। सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अपनी 3 फिल्मों से ही धमाल मचा दिया। पवन सिंह की बात की जाए तो बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी और कहीं ना कहीं अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर करा लिया। उसके बाद सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के तो क्या ही कहने, इन्होंने भैया जितनी फिल्में की ये सारी सुपरहिट साबित हुई। साल 2017 की टॉप फिल्मों की अगर हम बात करें तो कई सारी फिल्म ऐसी रहीं जो टॉप पर होने का दावा ठोकती हैं। अब अगर हम अपनी रैंकिंग के हिसाब से बात करें या उनकी कमाई के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले जब फरवरी में फिल्म मेहंदी लगा के रखना आई थी, फिल्म मेहंदी लगा के रखना ने कहीं ना कहीं वो टैग हटाया था कि लोग जब ये कहते थे कि भोजपुरी फिल्में फूहड़ होती हैं, इनमें अश्लीलता होती है, कहीं ना कहीं एक साफ़ सुथरी फिल्म मिली, एक भी किसिंग सीन नहीं थे, किसी भी तरह के अश्लील गाने नहीं थे, कहीं ना कहीं इस फिल्म ने एक साफ़ सुथरी छवि बनाई और रजनीश मिश्रा की इस फिल्म ने दिखा दिया कि भोजपुरी फिल्में अच्छी स्टोरी लाइन पर भी बन सकती हैं। अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, सिर्फ उन्हें अच्छी एक्टिंग स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद फिल्म आई सत्या। होली के मौके पर यह फिल्म रिलीज हुई, सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म थी। सत्या फिल्म ने धमाल मचाया। सत्या फिल्म में पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म में ऐसा हुआ था कि इसमें साउथ जैसे एक्शन सीन्स फिल्माए गए थे, हेलीकॉप्टर शॉट न्यू था। कहीं ना कहीं इन फिल्मों ने भी दिखाया, इस फिल्म ने भी बता दिया कि भोजपुरी फिल्मों का स्तर कहाँ बढ़ चुका है, अब हैवी बजट की फिल्में कैसे बन सकती हैं। फिल्म सत्या ने भी धमाल बहुत सही तरीके से मचाया। और उसके बाद फिल्म आई निरहुआ हिंदुस्तानी 2। यह फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी का सीक्वल थी और इस फिल्म में कहीं ना कहीं सुपरस्टार निरहुआ ने एक बार फिर बताया कि क्यों उनकी जोड़ी और क्यों उनके नाम पर जो फिल्में बनती हैं वो सुपरहिट हो जाती हैं। इन तीनों फिल्मों की रैंकिंग काफ़ी शानदार रही, तीनों ही फिल्में जबरदस्त धमाल मचा रही थी। तो आइए आपको दिखाते हैं 2017 में कौन सी फिल्म रही नंबर 1 पर। साल 2017 भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी शानदार रहा। यहाँ पर कई सुपरहिट फिल्में बनी और कई फिल्मों को मुंह की खानी पड़ी। आपको बता दें कि ज़्यादातर फिल्मों ने सिनेमाघरों में जमकर धमाल मचाया और पब्लिक की जमकर वाहवाही भी लूटी। इन फिल्मों में तीनों सुपरस्टार्स की फिल्में जमकर धमाल मचा रही थीं और सब ने लूट कर कमाई की। आपको बता दें कि सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 ने जमकर सुर्खियां बटोरी और जमकर बम्पर कलेक्शन हासिल किया। बड़े बजट की फिल्म होने के बाद भी इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की और लोगों के दिलों में उतरी। उसके बाद फिल्म सत्या इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी। आपको बता दें कि सत्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़े क्योंकि इस फिल्म में पहली बार साउथ जैसे एक्शन किरदार निभाए गए थे। आपको बता दें कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म मेहंदी लगा के रखना ने भी जमकर कमाई की थी। आपको बता दें कि ये एक साफ सुथरी फिल्म थी और इस फिल्म ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्तर को एक लेवल और बढ़ा दिया था। जिस तरह से इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि भोजपुरी फिल्में फूहड़ होती हैं, इस फिल्म ने यह साबित कर दिखाया कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में साफ सुथरी फिल्में भी बनती हैं। तो देखा आपने कैसे सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव की फिल्मों ने धमाल मचाया। अब ये कहना तो गलत होगा कि कोई कौन से फिल्म नंबर 1 पर रही, लेकिन कमाई के मामले में सत्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, इस हिसाब से पवन सिंह बने नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, साल 2018 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक फिल्में आने वाली हैं। होली पर पवन सिंह की मच अवेटेड फिल्म वॉन्टेड रिलीज होने वाली है और वॉन्टेड में पायस पंडित भी पवन सिंह के साथ नजर आ रही हैं। इस फिल्म के लिए पवन ने इतनी मेहनत की है, पहली बात तो बॉडी काफ़ी अच्छी बनाई, उसके बाद उन्होंने अपना जन्मदिन तक सेलिब्रेट करना ज़रूरी नहीं समझा इस फिल्म की शूटिंग के दौरान, क्योंकि फिल्म की शूटिंग का आखिरी शेड्यूल इन दिनों हो रहा था। उसके बाद 2 मार्च को जब होली है, होली के आसपास इस फिल्म को रिलीज़ करने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो अगर वॉन्टेड फिल्म आती है तो ये धमाल मचाएगी। उसके बाद फिल्म निरहुआ चला लंदन का भी टीज़र आ चुका है। निरहुआ चला लंदन लंदन में शूट की गई है, महंगे बजट की फिल्में करते हैं निरहुआ, ये फिल्म भी धमाल मचाएगी। आपको बता दें कि एक और फिल्म है जिसकी चर्चाएं जोरों शोरों से हैं और इस फिल्म का नाम है डमरू।
डमरू फिल्म जो है ये खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म है। अब खबर ये आ रही है कि खेसारी लाल यादव के साथ नजर आ सकते हैं इस फिल्म में एज अ गेस्ट अपीयरेंस बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन। जी हाँ, अजय देवगन का भोजपुरी से नाता काफ़ी पुराना रहा है, वो भोजपुरी फिल्म भी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अजय देवगन का जो इंटरेस्ट है भोजपुरी की ओर वो काफ़ी शानदार है, देखते ही बनता है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ नजर आ सकते हैं अजय देवगन। हालांकि इस बात की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है कि खेसारी के साथ अजय देवगन नजर आएंगे या नहीं, मगर लगता तो ऐसा ही है कि खेसारी और अजय देवगन की जो जोड़ी है अगर ये आती है तो ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और ये फिल्म जमकर धमाल भी मचाएगी फ्लोर्स पर। अब वाकई में किस तरह से इस फिल्म का अनावरण होगा, कब ये फिल्म रिलीज़ होगी, इसकी अभी तक डेट नहीं आई है, लेकिन फिल्म अगर रिलीज़ होती है तो काफ़ी धमाल मचाने वाली है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म डमरू में नजर आ सकते हैं अजय देवगन। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दर्शकों का चहेता सितारा माना जाता है। इनकी फिल्में जब भी सिनेमा घरों में दस्तक देती हैं दर्शकों का दीवानापन देखते ही बनता है। अक्सर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इन दिनों एक बार फिर खेसारी सुर्खियों में है और इनके सुर्खियों में रहने की वजह भी कुछ खास है। दरअसल सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी आने वाली फिल्म डमरू की शूटिंग लगभग खत्म कर चुके हैं और इस फिल्म की शूटिंग का लास्ट शेड्यूल चालू है। ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ गेस्ट अपीयरेंस में अजय देवगन भी नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि फिल्म डमरू पूजा पाठ पर आधारित फिल्म है और ये साधुओं को लेकर बनाई जा रही है। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं ऐसे में अजय और खेसारी एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आ चुके हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब अजय देवगन किसी भोजपुरी फिल्म में नजर आए हों, अजय देवगन पहले भी भोजपुरी फिल्म कर चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि खेसारी और अजय एक साथ नजर आ सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह अजय देवगन नजर आ सकते हैं फिल्म डमरू में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर रिलेटेड है हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से रिलेटेड। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे चहेता सितारा माना जाता है। इनकी फिल्में जब भी सिनेमा घरों में दस्तक देती हैं दर्शकों का दीवानापन देखते ही बनता है और कहीं ना कहीं खेसारी आज इंडस्ट्री के सबसे युवा सुपरस्टार्स की गिनती में सबसे अव्वल दर्जे पर आते हैं। खेसारी लाल यादव की के लिए साल 2017 जो है ये काफ़ी अच्छा बीता। बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी, फिल्म मुकद्दर इनकी आखिरी रिलीज थी और मुकद्दर ने ये उनका मुकद्दर बदल कर रख दिया। इनके पोस्टर स्टार्डम की कहानी थी, फिल्म मुकद्दर ने धमाल मचाया जमकर और कहीं ना कहीं खेसारी की फिल्मों ने औरतों को भी अपनी ओर खींचा। जो फीमेल फैन फॉलोइंग जो खेसारी को चाहिए थी वो भी होने मिली। अब बात हो रही है फिल्म डमरू की। दरअसल फिल्म डमरू में इन दिनों एक तस्वीर इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है जिसमें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव नज़र आ रहे हैं अपनी अभिनेत्री के साथ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म और ये गाना जब रिलीज़ होगा तो कितना बड़ा हिट साबित हो सकता है खेसारी और फिल्म के डायरेक्टर के लिए। हालांकि अभी इस गाने के बोल और इस गाने के लिरिक्स सामने नहीं आए हैं, सब कुछ सीक्रेट रखा गया है। ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि खेसारी का ये गाना कितना धमाल मचाता है। अमूमन अब जो गाने आ रहे हैं इनके ये कभी कहीं से भी कम नहीं है। अब हाल ही में आम्रपाली दुबे के साथ भी खेसारी ने गाना शूट किया है और ये गाना जब आएगा ये फ्लोर्स पर धमाल मचाएगा। फिल्म दुल्हन गंगा पार के में ये गाना रखा गया है, लेकिन डमरू के इस गाने की तारीफ हर जगह की जा रही है। कई लोगों का तो दावा है, अगर सूत्रों की बात की जाए, मिली खबरों की माने तो कई लोगों का ये दावा है कि ये गाना जब भी रिलीज़ होगा तो ये सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। इतना दम होगा इस गाने में क्योंकि खेसारी एक अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं इस गाने में। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का ये गाना बन सकता है इस साल का नंबर वन गाना। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दर्शकों का सबसे चहेता सितारा माना जाता है। मौजूदा समय में खेसारी लाल यादव इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी भारी मात्रा में फैन फॉलोइंग है और लोग इनके चुलबुले और नटखट अंदाज को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। साल 2018 की शुरुआत हो चुकी है और खेसारी अपनी फिल्मों से जमकर धमाल मचाने के लिए भी तैयार है। ऐसे में अब इन दिनों इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अजीब लुक में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें किसी गाने की है ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और ये गाना जमकर इंटरनेट पर धमाल मचाने वाला है। हालांकि अभी इस गाने के बोल
बोल औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस गाने के बोल जैसे भी होंगे और जब भी ये गाना रिलीज होगा, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ये गाना इस साल का बम्पर हिट साबित होगा और इस साल के सुपरहिट गानों में से एक होगा। तो देखा आपने कैसे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म का गाना जो है ये सुपरहिट साबित हो सकता है। अब उम्मीद तो यही की जा रही है कि फिल्म डमरू का ये गाना जमकर फ्लोर्स पर धमाल मचाए। दोस्तों, इस खास एपिसोड में सबसे पहले तो हमने आपको बताया साल 2017 की कौन सी फिल्म थी जो बनी नंबर वन। उसके बाद हमने आपको बताया कैसे फिल्म डमरू में खेसारी लाल यादव के साथ नजर आ सकते हैं अजय देवगन। और उसके बाद हमने फिर आपको बताया कि कैसे फिल्म डमरू का एक गाने की तस्वीर वायरल हुई इंटरनेट पर और ये गाना जब रिलीज होगा दावा किया जा रहा है कि ये गाना सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। तो इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी भोजपुरी स्टार्स के लाइफ से जुड़ी कुछ अन्य खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।